हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कलयुग का सबसे बड़ा झूठ ये है कि आज यदि कोई आपसे कहे कि उसके जीवन में कोई भी ऑब्स्टेकल्स नहीं है, यानी वो प्रॉब्लम फ्री लाइफ जी रहा है, तो ये आज के समय का सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि आज इंसान जब कलयुग में रह रहा है, हर किसी के जीवन में, चाहे वो गरीब हो या अमीर, मध्यम वर्ग का क्यों ना हो, लेकिन हर किसी के जीवन में छोटे या बड़े ऑब्स्टेकल्स ज़रूर हैं, जिन्हें पार करके वो अपने जीवन में बुलंदियों की सीढ़ियों को चढ़ता है। तो यदि कोई इंसान प्रॉब्लम फ्री लाइफ आज जीना चाहता है, तो ये उसके लिए नामुमकिन है। ज़िंदगी में खुशी, चैन की नींद और आनंद हम तभी ले सकते हैं जब हमारी लाइफ सेट हो। भले ही हमारे पास बहुत पैसा रुपया हो, हमारे पास डाइनिंग सेट हो, हमारा किचन सेट हो, हमारे पास महंगा मेकअप सेट हो, हमारे पास महंगी गाड़ी हो, टीवी हो, लेकिन यदि हमारा देखने का नज़रिया प्रॉब्लम्स की तरफ और आए हुए ऑब्स्टेकल्स को देखने का नज़रिया यदि हमारा सही नहीं है, तो आई हुई मुसीबतों से छुटकारा पाना हमारे लिए आसान नहीं होता। क्योंकि जब तक इंसान का माइंडसेट नहीं होता, तब तक वो लाइफ में भी सेट नहीं हो सकता। कल के अवतार के पास ऐसा कौन सा टूल होगा जिसके सहारे न सिर्फ वो अपने मिशन में कामयाबी हासिल करेंगे, बल्कि युग परिवर्तन करके उन आत्माओं को जो सतयुग में जाने के लिए एलिजिबल हैं, उन्हें अपने साथ सतयुग में प्रवेश दिलवाएंगे। क्योंकि जब तक इंसान खुद की लाइफ में सेट नहीं है, तब वो दूसरों की लाइफ सेट कैसे कर सकता है, इस सृष्टि को सेट कैसे कर सकता है, ब्रह्मांड की बिखरी हुई हालात को सुधार कर कैसे नए युग का निर्माण कर सकता है। आज जो भी इंसान इस धरा पर हैं और कलयुग में हैं, आपने सभी को देखा होगा, आज सब लोग बेचैन की स्थिति महसूस कर रहे हैं। रशिया यूक्रेन के राष्ट्रपति, सोचिए उनके पास कितनी पावर है। इजराइल और हमास, क्या उनके पास पावर कम है? क्या पैसे रुपयों की कमी है? क्योंकि जिनके पास पैसे रुपयों की कमी होगी, वो रॉकेट और बॉम्ब नहीं बरसाएंगे, मिसाइल वो नहीं छोड़ेंगे, इतने पैसे रुपयों की बर्बादी नहीं करेंगे। लेकिन क्या उनके पास सुख और चैन है? उन्होंने अपना सुख और चैन तो गंवा ही दिया है, साथ ही उस युद्ध के मैदान में उतरकर, जिसमें उतरना सही नहीं था, पूरी दुनिया के लिए एक आतंक का माहौल उन्होंने क्रिएट कर दिया है। और आने वाले समय में और भी देश रेडी हो रहे हैं इस कुरुक्षेत्र के मैदान में अपना शौर्य दिखलाने के लिए। यानी उनके पास कितनी पावर है? आज लोग शक्ति प्रदर्शन करके अपनी ताकत के सामने पूरी दुनिया को झुकाना चाहते हैं, लेकिन क्या वास्तव में जितने भी लोग आज युद्ध की भाषा बोल रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, क्या उनका माइंडसेट है? बिल्कुल नहीं। उस इंसान का माइंडसेट हम कह सकते हैं होता है जो इंसान ऑब्स्टेकल में भी एक पॉजिटिविटी को लेकर चलकर एक नेक राह पर सही दिशा में अपने जीवन को मोड़कर राइट डिसीजन लेकर न सिर्फ अपने जीवन की रक्षा करता है, अपने जीवन में आनंद को ले आता है, बल्कि उसके कारण दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है। लेकिन चूंकि ये कलयुग है और कलयुग में सभी की दिमागी हलचल एक ऐसे स्तर पर पहुंच गई है जहां सही तरीके से सोच समझकर एक सही फैसला लेना आज इंसान के लिए बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। क्योंकि जब पूरे दिन भर में आप
नेगेटिविटी की बातें सुनते हैं, नेगेटिव एनर्जी का प्रकोप झेलते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो आशावादी दृष्टिकोण है वो भी निराशावादी दृष्टिकोण में परिवर्तित हो जाता है। और विष्णु भगवान को पता था कि जब कलयुग का आगमन होगा इंसान की मानसिक स्थिति कैसी होगी, इसलिए उन्होंने अपने कंधों पर जिम्मेदारी ली युग परिवर्तन की, एवं हर युग में खुद आकर और अपने डिवाइन टीम के साथ मिलकर अपने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ आशावादी दृष्टिकोण को लेते हुए सही निर्णय लेने की क्षमता अपने अंदर रखकर पूरी दुनिया को आज वो लीड कर रहे हैं। लेकिन आप कहेंगे अगर आशावादी दृष्टिकोण से स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ कल्कि देव अपने मिशन में काम कर रहे हैं अपने डिवाइन टीम के साथ, फिर पूरी दुनिया में कोलाहल क्यों मचा हुआ है? यही तो है अंतर। जैसे राम ने रावण को मारा, लेकिन क्या विभीषण का बाल भी बांका हुआ? नहीं, राम जी का फोकस था रावण के ऊपर, रावण को नहीं खत्म करना बल्कि रावण के अंदर जो बुराई है उसे खत्म करना, उसके अंदर जो अहंकार था उसे खत्म करना। जब राम जी से पूछा गया कि आपने रावण को मारा, राम जी ने कहा मैंने रावण को नहीं मारा, रावण के मैंने रावण को मारा, यानी रावण का मैं यानी अहंकार, उसने रावण को बर्बाद किया और उसके कारण रावण को मृत्यु को गले लगाना पड़ा, उसका वध मेरे हाथों हुआ, एक्चुअल में मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो ये जो मैं की भावना है, इसी के कारण आज पूरी दुनिया में लोग स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की बात भूलकर बोलते सब लोग हैं, लेकिन जब आती हैं विकट परिस्थितियां तब सभी की बुद्धि दे जाती है जवाब। और ऐसे ही समय को टैकल करने के लिए कल्कि अवतार का स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वो टूल होगा उनके पास, जिनके द्वारा वो असुरों का विनाश करेंगे। उनके पास डिवाइन वेपन्स तो होंगे ही, जिनकी स्पेशलिटी ये होगी कि सिर्फ असुर मरेंगे, लेकिन जो डिवाइन सोल्स होंगे, जो प्योर सोल्स होंगे, उनका बाल भी बांका नहीं होगा। जिस प्रकार की कंस ने कृष्ण को मारना चाहा, लेकिन क्या कृष्ण का बाल भी बांका हुआ? नहीं, उल्टे कंस मारा गया। दुर्योधन ने भी अपने मन में कृष्ण के लिए बुरे विचारों को जगह दी, बुरे विचारों को पनपने दिया, अंत किसका हुआ? दुर्योधन का। तो बुरे विचारों वाले, नकारात्मक सोच रखने वाले कल्कि अवतार के स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के टूल के द्वारा उनका विनाश निश्चित है, लेकिन जो अच्छे इंसान होंगे उन्हें कल्कि अवतार के स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के द्वारा पॉजिटिविटी ऐसी मिलेगी जिसके द्वारा वो भले ही कितनी विपरीत परिस्थितियां आने वाले समय में क्यों ना आए, हर कोई अपने आशावादी दृष्टिकोण से अपने अंदर वो चेतना जागृत कर पाएगा, अपने अंदर उस शक्ति को महसूस करेगा जिसके कारण विकट परिस्थितियों में भी वो अपना हिम्मत रख पाएगा और लड़ पाएगा एक बहादुर इंसान की तरह। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।